राजधानी शिमला स्थित डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर को सील कर दिया गया है। शिमला के चक्कर स्थित जिला सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम सुबह पुलिस बल के साथ कार्यालय पहुंची और दफ्तर से कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए कहा और दफ्तर को सील किया गया। मेरा नाम मोहिंदर कुरटा है। मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर एडिशनल चार्ज के रूप में मेरे पास है डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री का। ये जो बिल्डिंग है, सेंटर की बिल्डिंग है, तो इस जो CPWD है, इनका ये मानना है कि हम लोग यहाँ अनऑथोराइजली रिजाइड कर रहे हैं और हमारी पोजेशन में ये बिल्डिंग अनऑथोराइज है, जबकि 1970 से पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं है, पर ये जो ऑफिस है ये 70s से पहले इस बिल्डिंग में चल रहा है, परंतु क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है इस वजह से हम थोड़े बैकफुट में चले गए। पहले आए तो 2014 से रियल एस्टेट जो इनका एस्टेट ऑफिस है उनमें उसमें केस चला था और उस केस में भी हम लोग हार गए थे। 2023 के करीब करीब उनका डिसीजन आया था और उस डिसीजन के खिलाफ हम स्टे के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा जो केस है वो अभी 28 मई को खारिज हुआ है और हमें आगे अपेलेट का टाइम मिला है, शायद 30 दिन का हमें टाइम मिला है और हम 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपेलेट के लिए तैयारी में थे, परंतु ये सडनली आज यहाँ पहुँच गए और हमें सोचने का भी मौका नहीं मिला कि इस वक्त हम इस परिस्थिति में क्या करें। हमने अपमिट किया है, अब हायर अथॉरिटी का जो आदेश आएगा उसके हिसाब से हम कार्यवाही, वो सारा इन्होंने सीज कर दिया है। हमारे पास हमारे अपने सामान के अलावा और कोई सामान नहीं। अब देखते हैं, हम अपने हायर अथॉरिटी से टच में हैं, वो जिस तरह का आदेश देंगे हम उसी के हिसाब से काम करेंगे।